जिला चंबा में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि जिला में 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 100, 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 318 और पिछले सप्ताह में जिला में 172 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 3,637 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए थे और अब जिला में 214 कोरोना के एक्टिव रोगी है, जिसमें 13 रोगी चंबा कोविड अस्पताल और 7 डलहौजी कोविड अस्पताल में रखे गए हैं और बाकी कोरोना रोगी होम आइसोलेट है। वहीं उपायुक्त ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिला में 3 मौत के मामले भी सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अब कोई व्यक्ति अन्य राज्यों से जिला में आता है तो वह स्वयं को 7 दिन तक घर में आइसोलेट करे। वहीं अगर कोई व्यक्ति जिला में प्रवेश करता है या किसी अन्य ने जिला में बाहरी राज्यों से प्रवेश किया है तो इसकी जानकारी मोबाइल नंबर 9816698166 या टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने कहा कि शादी समारोह में कोरोना नियमों के पालन करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए जाएंगे ताकि नियमों का पालन सही ढंग से हो सके। कोविड की जो सेकेंड लहर है वो पूरे देश में व्यापक है और हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है और उसका प्रभाव जो है वो चंबा जिला में भी बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की पहले बात करें तो अभी तक हमने चंबा जिला में लगभग 25,000 के करीब सैंपल टोटल कलेक्ट किए हैं और हमने लगभग 24% हमारी जो चंबा की पॉपुलेशन है उसकी टेस्टिंग हो चुकी है और उसमें 3,637 जो अभी तक पॉजिटिव आए हैं। हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है 2.91% है और रिकवरी रेट हमारी 92.47% है और आज की तारीख में हमारे 214 केस जो हैं वो जिले में एक्टिव हैं और 214 में हमारे 20 जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 13 चंबा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और 7 जो डलहौजी का हमारा DCHC है उसमें है। डलहौजी में जो पेशेंट हमने रखे हैं बेसिकली उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऐसा सच नहीं थी, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना अकोमोडेशन नहीं था तो इस करके उनको DCHC डलहौजी में रखा है। तो ऐसे अगर इफेक्टिव तौर पे देखेंगे तो हमारे 13 लोग हैं जिनको एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और जो हॉस्पिटल में है। अभी तक हमारी टोटल 55 चंबा में डेथ्स हुई हैं, जिसमें 2 जो हैं डेथ्स वो नॉन कोविड डेथ्स हैं और सेकंड लहर में अभी तक हमारी टोटल डेथ्स जो हैं वो 3 हैं, उसमें जो हैं एक जो है वो पुखरी ब्लॉक से हैं और 2 जो है हमारा जो सुमोट ब्लॉक है वहाँ से हैं। अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी रेट जैसे ओवरऑल 2.91% है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ टाइम का देखें मार्च सेकेंड वीक में ऐसी स्थिति थी हमारे पास एक ही पॉजिटिव केस था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम जिले में शून्य की फिगर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोविड की लहर आई तो संख्या बढ़ी और ओवरऑल पॉजिटिविटी 2.91% है। लेकिन हमारा जो पिछले 3 सप्ताह हैं अगर उसमें हम देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ी है, 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक जो है वो 2.03% थी पॉजिटिविटी रेट और ये पॉजिटिविटी रेट जो है 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जो है 7.2% होगी और अभी जो हमारा लास्ट वीक था आज तक जो है वो 6.3% है। तो पिछले हफ्ते से थोड़ा कम तो है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी ज़्यादा हमें रिलैक्स होने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी नंबर बढ़ रहे हैं, हमारे आसपास के राज्यों में भी बढ़ रहे हैं और हमारे जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और टेस्टिंग अगर आप देखो तो हमारी टेस्टिंग कॉन्टीन्यूसली काफ़ी बढ़ी है, खासकर नवंबर ऑनवर्ड्स हमने अपने टेस्ट काफ़ी बढ़ाए हैं जिले में और उस टेस्ट में हमारा जो RT-PCR का जो रेशो है वो लगभग हमारा 65% है पूरे जिला में और मुझे लगता है पूरे प्रदेश में बेहतर जिलों में से होगा। और RT-PCR बढ़ाने का एक हमारा फ़ायदा इस करके भी हुआ कि पहले ऐसी स्थिति थी कि हमारी RT-PCR लैब सिर्फ 150 टेस्ट ही पर डे करती थी, लेकिन नवंबर दिसंबर के आसपास हमने उसको 350 कर दिया था और लैब 24/7 हमारे काम कर रही है। और अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में हमारे लगभग 100 पॉजिटिव केस आए और 12 से 18 तक ये नंबर बढ़ गया, 311 हो गए
और लास्ट वीक में 172 पॉजिटिव केस आए, और इसमें आप जानकारी रखते हैं कि DPS डलहौजी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केस आए थे हमारे। उसके बाद हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ पे भी नंबर थोड़े ज़्यादा आए थे, उससे भी हमारा नंबर बढ़ा है। और अभी कुछ एक हॉटस्पॉट्स जैसे हैं, जैसे NHPC की जो क्रिया की लोकेशन है वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव केसेस हैं जो इस जगह पे आए हैं। और एक हमें सारा जो हमने एनालिसिस किया, तो उस एनालिसिस में जो पॉजिटिव, क्योंकि हम हर केस को ट्रैक कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारा एक हमने और चीज़ जो एक्टिवेट किया ज़िले में, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल बनाया, और उस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, हेल्थ के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं। जैसे कोई पॉजिटिव केस आता है उसकी इमीडिएट जो उसको कॉल जाती है, उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं, और वो सेल बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे हमें टारगेटेड सैम्पलिंग में भी मदद मिल रही है। और उस सेल की माध्यम से हमें जो ओवरऑल हमने एनालिसिस किया, तो पॉजिटिविटी का जो जिले में कारण ये है कि लोग यहाँ से बाहर गए और वापस जब आए तो पॉजिटिव हुए, और उसमें अलग अलग तरह के हैं, कुछ दूसरे प्रदेशों में गए वहाँ से वापस आए तब पॉजिटिव हुए, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स पॉजिटिव हुए, कुछ केसेस में आप जो है विद इन स्टेट ही आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप गए वहाँ से वापस आए वो भी पॉजिटिव हैं, फिर उनके आगे कॉन्टैक्ट पॉजिटिव आए। और एक अभी कल के हमारे जो टेस्ट रिपोर्ट में कुछ लोग ऐसे भी आए जो कुंभ के मेले में भी गए थे, तो वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो हमें ये फील हुआ कि जो लोग बाहर के प्रदेशों से घूम के आ रहे हैं, या जो लोग इवन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में जाके आ रहे हैं, तो उनको जो है आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उनको टेस्ट करने की आवश्यकता है। तो एक हमने ऑर्डर किया था 20 अप्रैल को, उस ऑर्डर में हमने एक जो है लीगल अथॉरिटी हमने दी हेल्थ डिपार्टमेंट को, कि वो ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें हमने पंचायतों की मदद भी लेने की बात कही है, अर्बन लोकल बॉडीज से मदद लेने की बात कही है, कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बाहर जाके आए हैं, चाहे वो प्रदेशों से बाहर जाके आए हैं या विद इन स्टेट भी अगर जाके आए हैं, और ख़ासकर जो कुंभ मेले से आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और उनको हमारे जो कंट्रोल रूम है उनमें उनके नंबर शेयर किए जाए। उसमें हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है अपने कंट्रोल रूम का, जो 9816 9816 9816 9816, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी हम वो सूचना लेंगे। उसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1077, और 1077 आप सिंपल अपने मोबाइल से, लैंडलाइन से, कहीं से भी डायल करेंगे तो इस नंबर के माध्यम से भी हम सूचना दे सकते हैं, और यहाँ जो हमारे लोग बैठे हैं वो उन लोगों की डिटेल नोट करेंगे और उनको हम टारगेट करेंगे सैम्पलिंग के लिए। सभी लोगों को तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग डिस्ट्रिक्ट में रोज आते हैं तो नंबर ज़्यादा होगा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है रिस्क असेसमेंट के बेस पे उन लोगों को आवश्यकता पड़ने पर जो है टारगेट करेगा सैम्पलिंग के लिए। एक हमने उन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट किया, खासकर जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट में बाहर के जो स्टेट्स हैं वहाँ से जब आते हैं, तो काइंडली 7 दिन तक जो है वो अपने आप को आइसोलेट रखें, अपने आसपास में भी मूवमेंट नहीं करें, बाज़ारों में भी ना जाएं, क्योंकि ये चांसेस हैं कि जिस तरह से बाहर जो है जो पॉजिटिविटी रेट है बहुत हाई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर उनको पहले 7 दिन से पहले भी सिम्टम आते हैं, तो भी उनको ये सलाह हमने दी है कि वो जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं कि उनको प्रॉब्लम है और उनका सैंपल हम टाइम भी दे सकें। एक और जो ऑथराइजेशन हमने DMX में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स को अलाउ किया है, कि उनको लगता है कि कहीं मार्केट में, कहीं ऑफिसेज में, कहीं टेम्पल्स में, या कहीं और ऐसे प्लेसेस जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे अगर उनको सैंपल लेना है तो वो ले सकते हैं, और उसमें किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस लोग ना करें, लोग वॉलंटियरली आगे आएँ, ये हमने ऑर्डर में जो है वो स्पष्ट किया है। इसके अलावा एक और जो हम डिस्ट्रिक्ट में फोकस कर रहे हैं, नो मास्क नो कैम्प नो सर्विस का, आपने देखा होगा दफ्तरों में भी इस तरह के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं, और मैंने मार्केट में भी कुछ जगह पे देखा, मार्केट में भी दुकानदार लगा रहे हैं,
और हमने कंप्लायंस ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए हैं, जिसमें जैसे मार्केट के लिए लेबर ऑफिसर को अपॉइंट किया है, मंदिरों के लिए डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर को किया है, जो हमारे जो होटल्स हैं उसके लिए DTDO को किया है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो HRTC की बस के लिए RMHRTC है, दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसके लिए जो हमारा RTO है उनको किया है। तो बेसिकली इन कंप्लायंस ऑफिसर्स का मकसद अपॉइंट करने का ये है कि वो लोगों को एक तो जागरूक करें और एनफोर्स करें जो DM Act की जो डायरेक्शंस हैं, ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को हम बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी भी रेगुलर हमारे यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम डेली जनरेट करते हैं और SDMs उन माइक्रो कंटेनमेंट जोन को नोटिफाई करते हैं, और आज की डेट में भी हमारे 97 माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन जो है डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं, और उनको सर्वेलेंस के लिए भी हमने PRIs और ULPs को भी रिक्वेस्ट किया है, और बाकी हम भी उसको फॉलोअप भी करते हैं। इवेंट मॉनिटरिंग, क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ रहा है, तो हमारी टीम्स एक्टिवली, क्योंकि परमिशन SDMs दे रहे हैं, और इवेंट से पहले भी जो अधिकारी हैं, जो हमारे फील्ड के फंक्शनरीज हैं, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, पटवारी हैं, वो उन इवेंट्स में प्री काउंसलिंग भी करते हैं। और अभी SDMs को ये भी कहा, क्योंकि आज से शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा, तो SDMs जो हैं वो फ्लाइंग स्क्वाड भी बना के रेंडमली चेक करें, ताकि कोई भी स्थिति में जो है 50 से ज़्यादा लोग जो हैं शादियों में शामिल ना हो। जैसे कल सरकार ने एक आदेश किया कि अब 20 तारीख का जो आदेश है कि शादियों के अलावा और दूसरे किसी तरह के भी कोई फंक्शन जो है अलाउ नहीं होंगे, और उसमें 50 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। एक और जो बात मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब पिछले वर्ष फर्स्ट लैब कोरोना की थी, तो हमारे पास DCH में सिर्फ 15 बेड्स थे। तो उसके बाद आपने भी देखा कि हमारा जो जहाँ TB हॉस्पिटल है वहाँ पे एक नया यूनिट एस्टेब्लिश हुआ, और 50 से उसकी कैपेसिटी जो है वो 30 कर दी गई है, और वहाँ पे मैनिफोल्ड सिस्टम भी फंक्शनल है, और हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन जो पहले DCH में अवेलेबल नहीं होती थी वो अवेलेबल है। और अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे हमारे पास आता है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो पहले वाला मेडिकल कॉलेज में जो 15 बेड्स हमारे पास थे, तो उनको अगर एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है तो वो भी हम कर देंगे, लेकिन उससे हमारी बाकी हॉस्पिटल की सेवाएं जरूर प्रभावित होंगी, बट वो एज ए लास्ट रिजोर्ट हमारा होगा। उसको जो होम आइसोलेशन है उन केसेस को भी हम यहाँ से हमारे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है डिज़ास्टर का, वहाँ से कॉल जाती हैं। सब डिवीज़न पे हर SDM के पास जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेट हो गए हैं हमारे, और वो वहाँ से भी कॉल जाती हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से भी कॉल जाती हैं, ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उन लोगों को भी हम प्रॉपरली जो है केयर दे सकें, और उनकी अगर कोई समस्या है तो उसको भी सुलझा सकें। तो ये भी एक रेगुलर एफर्ट हो रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जैसे नवरात्रे ख़त्म होंगे तो उसके बाद तुरंत जो है मंदिरों में लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा, तो उस बात को भी हम यहाँ फोकस करेंगे और उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। दो लोग हैं जो तीसरा की तरफ से डिटेक्ट हुए थे, बट इस तरह के लोगों का डेटाबेस बनाए इसलिए हमने सभी से सहयोग किया है। वो वॉलंटियरली भी आगे आए, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो टेस्टिंग के लिए आगे आए, और हमारे जो फील्ड के जो फंक्शनरीज हैं उनको भी अनुरोध किया कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको मैंडेटरी टेस्ट करें। लोगों की पहचान की जा रही है, बॉर्डर पे कुछ इसके लिए व्यवस्था की गई है? इसमें बॉर्डर पे तो कोई इस तरह की बंदेश नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा कि जो हमारी पंचायतें हैं, पंचायतों के जो वार्ड मेंबर तक के जो लोग हैं, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पटवारी हैं, वो उनकी लिस्ट बनाएंगे। हमने उनको फॉर्मेट सर्कुलेट कर दिया है, और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर शेयर करेंगे, और कोई भी व्यक्ति भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सूचना है किसी को आस पड़ोस में कि ये आदमी बाहर से आया है, तो हम उसको अभी डेटाबेस बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि हम 100% लोगों को टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जितनी है हम उतना काम कर पाएंगे। जैसे RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी होता है इस तरह के केसेस में, तो हम अभी भी 600-700 केसेस सैंपल कर रहे हैं डेली, लेकिन उसको बढ़ाएंगे तो फिर वो सारा सिस्टम चौक हो जाएगा, फिर जो हमारे जो प्रायोरिटी वाले सैंपल हैं वो भी पीछे रह सकते हैं। सर, सेम डे रिपोर्ट नहीं आती है सैंपलिंग की, कई पेंडिंग रहते हैं, जैसे लास्ट डे 415 कुछ थे उसमें 155 की रिपोर्ट आ गई, बाकी उनकी पेंडिंग रहेगी, इस व्यवस्था को टाइम करने के लिए
जैसे मैंने कहा कि हम 150 से 350 तक पहुंचे हैं और हम उसको 24x7 हमने लैब को किया है, तो उसमें जब सैंपल किसी दिन ज़्यादा उठा लेते हैं तो पेंडेंसी अगले दिन के लिए चली जाती है, उसको कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से और बढ़ाएं, अगर मैन पावर की ज़रूरत होती है तो मैन पावर ऐड करेंगे और कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी रिपोर्ट आए उतना जल्दी हम भेजें। चालान भी पुलिस जो रेगुलरली कर रही है और अभी तक हमने 1 अप्रैल से अब तक 265 चालान हुए हैं पूरे ज़िले में और उसमें फेस कवर, फेस मास्क और इस तरह की वॉयलेशन के केसेस हैं, तो उसमें जैसे चंबा सदर की आप बात करें तो चंबा सदर में सबसे ज़्यादा चालान हुए हैं, उसके बाद चुवाड़ी में हुए हैं, तो इस डेटाबेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी चालान एक ऑप्शन है बट मुझे लगता है ये कंप्लीट ऑप्शन नहीं हो सकता, अल्टीमेटली लोगों को सहयोग की ज़रूरत है और लोगों से हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारा सहयोग करें, हम ऐसी स्थिति में ना जाएं जिस स्थिति से दूसरे प्रदेश जो जूझ रहे हैं जहां बेड के लिए फाइट हो रही है, ऑक्सीजन के लिए फाइट हो रही है, तो हम यदि स्थिति में नियंत्रण रखेंगे सभी जिम्मेवारी से अगर हम अपना काम करेंगे तो मुझे लगता है उस तरह की नौबत से हम बच सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए भी हमें फिर तैयार रहना पड़ेगा। उनका कंप्लेंट है कि लोगों को जब वो सैंपलिंग के लिए बोलते तो वो उनके साथ हाथापाई या बदतमीजी पे उतारू हो जाते हैं। देखिए ऐसे कुछ मामले हमारे संज्ञान में आए और उसके बाद तभी मैंने उपायुक्त महोदय से ये अनुरोध किया था, उसके बाद जब ये ऑर्डर निकले हैं तो उसके बाद हमारे पास भी लीगल अथॉरिटी है, मेरे टीम के पास भी लीगल अथॉरिटी है और उपायुक्त महोदय के आदेश के बाद अब पुलिस का व्यक्ति भी सैंपलिंग टीम के साथ जा रहा है, तो अब पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कोई समस्या अभी नहीं है। डिस्ट्रिक्स के मुकाबले में मतलब अच्छे डिस्ट्रिक्स में से हैं, हमारी लगभग 65% के करीब RT-PCR टेस्ट हो गए हैं चंबा जिला में। हम हिमाचल में फर्स्ट में हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हिमाचल में फर्स्ट में हैं, लेकिन देखिए आइडियल सिचुएशन है कि 70% RT-PCR होने चाहिए, बट हमने यहाँ 0 से शुरू किया और एक स्थिति में आया जब हम 65% कर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हमने प्रोग्रेस की है इस मामले में, तो जब हमारा RT-PCR सिस्टम थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है तो थोड़ा हम रेड पे जाते हैं, तो इस करके थोड़ा सा वो बैलेंस जो है 70-30 वाला हम कई बार मेंटेन नहीं कर पाते। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।